हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ मिक्स अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको सालों स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको कैसे स्टोर करेंगे वो भी मैं बताऊंगी, कुछ टिप्स आपको बताऊंगी ताकि आप उसको स्टोर करें तो वो उसमें फंगस ना लगे और वो एकदम ख़राब नहीं हो। तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोग वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं तो उनके लिए ये प्रोसेस मैं बता रही हूँ। चाहे आप वीडियो देखें ना देखें, लेकिन आपका अचार ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि जब आप अचार जिस बर्नी में भी भरना है उसमें भरने के बाद, पूरी प्रोसेस बाद में मैं बताऊँगी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। तो अचार जब आप बर्नी में डाल दें तो कॉर्नर में जो भी अचार लगा है उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। इस तरीके से आप किसी टिश्यू पेपर को यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी साफ़ अच्छे कॉटन के कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। और जब अचार निकालें तो बिल्कुल जिस भी बर्तन से निकालें उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और निकालने के बाद वापस से अचार को हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए इस तरीके से, ताकि जो उसका तेल है वो ऊपर आ जाए। तो अचार बहुत दिन चलता है, इसका लाइफ बढ़ जाता है। और भी कुछ तरीके हैं अचार को अच्छे से बनाने के लिए, उस तरीके को मैंने वीडियो में बताया है। हाय एवरीवन, मैं हूं अनीमा, रेसिपीज बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने तेल गर्म कर लिया है, मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है। अगर आप चाहें तो कोई और तेल भी ले सकते हैं। इसको गर्म कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद इसको ठंडा कर लेना है। यहाँ पर मैंने मूली लिया है, इसको छील करके धो करके उसके बाद कट कर लिया है। गाजर को भी वैसे ही छील करके कट करके धो लिया है। थोड़ी देर कट करने के बाद हमें पंखे के नीचे रख देना है, ताकि हल्का हल्का सा इसमें जो मॉइस्चर होता है वो हट जाए। लहसुन अदरक और हरा मटर है, आप चाहें तो ये वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे हरी मिर्च मैंने ले लिया, 10 से 12 लिया है। इसका क्वांटिटी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बड़े बोल में मैंने यहाँ पे हींग ले लिया है। हर अचार में हींग जरूर डालिए, इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, बहुत टेस्टी भी बनता है इससे। यहाँ पे जो तेल गरम किया था वो डाल लेंगे और जो अचार का मसाला है वो इसमें ऐड कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अचार का मसाला तो मैंने बताया ही नहीं कैसे बनाना है, तो इसी वीडियो में मैं आगे उसको बनाना बताऊंगी आपको। यहाँ पे अचार का मसाला हमने डाल लिया है, इसको तेल में आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद जो हमने वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं लाइक मूली, गाजर, लहसुन, अदरक, मटर और हरी मिर्च, गोभी भी आप डाल सकते हैं। गोभी मैंने इसलिए नहीं डाला कि गोभी अगर आप डालते हैं तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, उसको हल्का हल्का सा स्टीम करना होता है, फिर उसको धूप में सुखाना होता है। तो उन सब से बचने के लिए मैं गोभी का अचार अलग बनाती हूँ। इन सबको मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि पूरा जो अचार का मसाला और जो तेल है वो हमारा एकदम अच्छे से पूरे अचार में मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये देखिए मिक्स हो गया। अगर अच्छे से मिक्स नहीं हो तो जैसे यहाँ मैं किसी बड़े बर्तन में रख के मिक्स कर रही हूँ, इस तरीके से भी आप बड़े बर्तन में रख के मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद इसको ढक देना है, और एकदम से पूरा नहीं ढकना है, हल्का सा एक गैप रखेंगे आप इस अचार में, ताकि जो ये अचार रहे वो ख़राब नहीं हो। और इसको ओवरनाइट या 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। और ये देखिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, ऊपर का लेयर नीचे और नीचे का जो लेयर है उसको ऊपर कर देना है, ताकि मसाला और तेल फिर से वापस मिक्स हो जाए। और ये देखिए 4 से 5 घंटे में ही अचार हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो आप इस तरीके से सॉफ्ट रखिए। अब बारी आती है कि इसको प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या डालना है। तो थोड़ा सा मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी। विनेगर का कलर कौन सा है, वाइट है या ब्लैक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 चम्मच के करीब विनेगर हम इसमें डाल रहे हैं। अगर आप इंस्टेंट खाना है तो मत डालिए विनेगर, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो। लेकिन अगर आपको रखना है, सालों चलाना है, अगले साल के लिए रखना है, 6 महीने रखना है, तो आप इसको ज़रूर डालिए। दूसरी और एक और चीज़ आप डाल सकते हैं, वो बहुत जगह ईजिली अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने विनेगर बताया है, क्योंकि विनेगर हर जगह मिल जाता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे टार्टरिक एसिड है, मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा लाइट को कम करके आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए ये टार्टरिक एसिड है, आप इस सिट्रिक एसिड या टार्टरिक कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और इससे भी बहुत अचार में इसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल गर्म करके उसको हल्का सा मैंने ठंडा कर लिया है, एकदम ठंडा नहीं किया, हल्का सा गुनगुना सा रह गया है, उसके बाद इसको डाल देंगे और उसके बाद हम इन सबको मिक्स कर देंगे।
तो जब अगर आपको अचार को स्टोर करना है ज़्यादा दिन, तो इसमें तेल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अचार में ऑयल कम होगा तो वो फिर अचार ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए देखिए इस तरीके से एकदम मज़ेदार अचार हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब बारी आती है कि इसको हम स्टोर कैसे करें। कई बार बहुत छोटी छोटी बात होती है जो अचार को स्टोर करने में या फिर अचार के लाइफ को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। तो इस तरीके से बर्नी जो होनी चाहिए आपकी, वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसको अच्छे से सूखने दीजिए साफ़ करने के बाद। उसके बाद जब अचार डाल दें तो ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा तेल, हमारे अचार के ऊपर तेल होना चाहिए। तो अचार के ऊपर जब तेल हो जाए, उसके बाद अचार को हल्का दबाते हुए दबा दीजिए ताकि तेल ऊपर आ जाए और अचार जो है वो नीचे आ जाए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसको हल्का सा इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा मसाला है उसे हमें साफ़ कर लेना। अब इस एक्स्ट्रा मसाले क्यों साफ़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फंगस लगने का डर होता है, वो ऑयल के अंदर तो डूबा नहीं होता है, तो सिर्फ मसाला रहने से फंगस लग जाता है। जब भी अचार निकालें तो जो चम्मच होना चाहिए वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। और निकालने के बाद जैसे पहले भी बताया था कि हल्का सा प्रेस करिए ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो हमारा अचार, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अचार बनाइए और इंजॉय करिए। और चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका मसाला हम कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए कढ़ाई को गर्म करके उसमें एक चम्मच मैंने काली सरसों डाल ली है, आधे छोटे चम्मच मैंने जो पीली वाली सरसों होती है वो ले लिया है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और जैसे ही ये क्रैकल हो जाए तो हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए गोल मिर्च जो होता है वो ले लिया है 10 से 15, लौंग ले लेना है, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा है, और ये जायफल है इसका भी एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अचार में। यहाँ धनिया ले लिया आधे छोटे चम्मच, साथ ही के साथ आधे छोटे चम्मच जीरा ले लेना है, और एक छोटे चम्मच हमें सौंफ लेना है, सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही के साथ आधे छोटे चम्मच मेथी दाना ले लेना है, मेथी आप बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, और इन सबको फ्राई कर लेंगे। हमें मसालों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कलर चेंज नहीं होने देना है, हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और इसके बाद इसको निकाल कर हमें ग्राइंड करना है, तो मसाले बहुत गर्म नहीं होने चाहिए, हल्का इसको ठंडा करके ही हमें ग्राइंड करना होता है। तो इसको एक ग्राइंडर जार में मैंने डाल लिया है। तो अब इसमें कुछ और मसाले मिलाएंगे, मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लिया 1 चम्मच, साथ ही के साथ इसमें जो कश्मीरी रेड चिली होती है वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको तीखा चाहिए तो नॉर्मल चिली भी डाल सकते हैं, मैं कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ। इसे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। 1 बड़े चम्मच वो ले लिया है, नमक ले लिया है 1 चम्मच के करीब, और काला नमक भी डाल लेंगे 1/2 छोटे चम्मच के करीब। अचार में थोड़ा एक्स्ट्रा नमक, थोड़ा तेज़ नमक ज़रूरी भी होता है, प्रिजर्वेटिव भी होता है और टेस्ट वाइज भी अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे अमचूर पाउडर ले लिया है मैंने, 1 बड़े चम्मच ले लिया है। अब यहाँ मैं 1/4 छोटे चम्मच के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत टेस्टी बन जाता है। आप किसी भी अचार में ज़रूर थोड़ा सा चीनी ऐड कीजिए। यहाँ मैं थोड़ा सा चक्री फूल का पाउडर ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो जब मसाले रोस्ट कर रहे हैं उसी टाइम चक्री फूल भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको ग्राइंड कर लेना है, और इस अचार के मसाले को ना तो हमें बहुत महीन पीसना है और ना ही बहुत ज़्यादा दरदरा रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से लेना है। इसके अलावा मैंने और भी अचार की रेसिपी शेयर करी है, तो आप चाहें तो वो सारी रेसिपी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, अचार वाले प्लेलिस्ट में वो सारा कुछ ऐड कर दिया है, उसको देखिए और ढेर सारे अचार बनाइए। तो अगर मेरी बताई रेसिपीज आपको पसंद आती है तो इस चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।